किसान साथियों नमस्कार। किसान भाइयों, आज आपको गन्ने का एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल दिखाते हैं। इस खेत में गन्ने के साथ में टमाटर है, भिंडी और मिर्च की खेती से फसली ली गई है और बहुत ही शानदार पैदावार हो रही है टमाटरों की और भिंडी की। ये देखें वैरायटी है 239 और ये देखें यहाँ पर टमाटर लगाया हुआ है। मार्च की बुआई है इसकी खेत की, मार्च में गन्ना लगाया गया था ये। और आपको दिखाते हैं साथियों कितनी इसकी चौड़ाई है और कैसा सिस्टम है इसका, सारी जानकारी देते हैं आज आपको। ये देखिए ये खूड है, खूड के बीच में टमाटर की एक लाइन लगाई गई है। ये देखें हर पेड़ पर टमाटर लदे हुए हैं, बिल्कुल भरा, पूरे भरपूर फल लग रहे हैं टमाटर के। ये देखें हर पेड़ पर 1.5 किलो 2 किलो टमाटर लगा हुआ है फिलहाल, और ये साथ में डोल पे भिंडी लगाई गई है। इस खेत में जो देखने को कमी मिल रही थोड़ी सी यही है, अगर इसकी खुड्डों की चौड़ाई फालतू होती तो इसमें बहुत ही शानदार पैदावार भी होती और फसल भी ली जाती सब्जी की। इसके बावजूद नॉर्मल सादी विधि होने के कारण भी देखें टिलरिंग कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त ब्यांस है खेत में, किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं फिलहाल, बहुत ही बढ़िया खेत चल रहा है। अब इस खेत की थोड़ी जानकारी लेते हैं किसान भाई से, तो किसान भाई से लेते हैं थोड़ा परिचय। भाई थोड़ा अपने बारे में बताओ, पहले अपना परिचय दो। बस बड़ाई तो यही है, मेहनत कर रहा किस में, और तो कुछ ऐसा है नहीं ना। आपका नाम और पता बताओ थोड़ा पहले। प्रमोद कुमार। गांव? गांव मुजफ्फरपुर। डिस्ट्रिक्ट? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर यूपी से हैं। तो जैसे आपने इसमें सह फसली ली, सब्जी की फसल भी ले रहे, तो खुड्डों की चौड़ाई अगर थोड़ी फालतू होती तो उसमें आसानी भी होती और पैदावार भी बढ़ती। बस इतना तजर्बा ना, फल का तो इतना है, अरे मेहनत हो जाएगी, एक अपना एक बन जाएगा, जो फसल तो हाथों लगेगी लग जाएगी। अच्छा अच्छा, वैसे तो एक बोते ही खाली होते हैं भाई, और फसल है इसके लिए खर्चा चल रहा है, अपना मेहनत हो रही तो नहीं। मेहनत तो देखो भाई आप कर ही रहे, बढ़िया मेहनत कर रहे। तो आपने अभी तक इसमें कितनी आमदनी ले ली सब्जी से? सब्जी से 2 फेरी तोड़ कर ली इसमें। किसकी? 3000 रुपये मिर्चों की। हाँ। और भिंडी? भिंडी नहीं चली अभी, भिंडी लेट लगाई ना। और ये जैसे लतपत हुए पड़े पड्डे टमाटर से? टमाटर में टूटा बोलो, अभी एक तोड़ हुई नहीं। हाँ। कोई तोड़ नहीं हुई अभी टमाटर की? नहीं। अच्छा अच्छा, मिर्चों की होगी 3 तोड़। मिर्चों की 3 तोड़ होगी। हाँ। उसमें क्या रहा आप प्रॉफिट? ठीक चल रहा काम, अब तो नया मंडी आ गया नहीं, 40-45 रुपये किलो गई मंडी में। अच्छा अच्छा, तो कुल मिलाकर जितने की गन्ने की पैदावार होती उतने की सब्जी भी औसत दे देगी? हाँ चलो वो भी ना देवा, पर हमारा तो कहने मतलब है जैसे हम इसमें लग रहे हैं, एक तो हमारा है ही था, अब सब्जी लग गई इसमें अपना खर्चा भी निकलेगा, इसमें दवा पानी भी हो जाएगी, एक्स्ट्रा आमदनी होगी। हाँ, इसमें कुछ जुड़ा भी ना साग जब इसी को हमने इसी में लगा दिया तो कुछ तो बनेगा। सही बात है भाई, लगने का बिल्कुल बिल्कुल। तो देखे साथियों कमी सिर्फ थोड़ी सी ये रही, अगर खुड्डों की चौड़ाई ज़्यादा होती तो एक तो देख रेख में आसानी होती और जो इसकी नुराई गुड़ाई है और तोड़ है उसमें आसानी होती, लेकिन खुड्डों की चौड़ाई कम होने के बावजूद भी बहुत ही शानदार गन्ने का खेत खड़ा जी। और फसल आपने देख ही ली किस तरह टमाटर लगे हुए हैं हर पेड़ पर, और नीरो का खेत खड़ा 239 का, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है फिलहाल इसमें, मार्च की बुआई का गन्ना है, बहुत शानदार प्लॉट खड़ा जी। तो साथियों आप भी इस मॉडल को अपना सकते हैं, और जिन भाइयों ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।